प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर माफी मांगी है। 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में बनी 35 फुट की शिवाजी की मूर्ति ढह गई थी। इस मूर्ति का अनावरण पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था, लेकिन मूर्ति ढहने के बाद विपक्ष महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमलावर था। इसके कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी माफी मांगी थी। इस साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आज 30 अगस्त को प्रधानमंत्री के कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। इसके अलावा वहां के सभा में लोगों को संबोधित भी किया उन्होंने। इसी दौरान उन्होंने शिवाजी की मूर्ति टूटने पर भी बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, आज मैं सिर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बताया कि जब 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब वो सबसे पहले रायगढ़ किले में गए और शिवाजी की समाधि के सामने बैठकर प्रार्थना की थी। सावरकर का भी उन्होंने आगे जिक्र किया। मूर्ति गिरने पर विपक्ष के हमलों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है। उन्होंने अपने भाषण में विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र करते हुए कहा, हमारे संस्कार अलग, हम वो लोग नहीं है जो आए दिन भारत माँ के महान सपूत इस धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। वे लोग वीर सावरकर को गालियां देने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं, उनको पश्चाताप नहीं होता है। महाराष्ट्र की जनता अब उनके संस्कारों को जान चुकी है। वीडी सावरकर भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उनका यानी कि सावरकर का अपमान कर लोग अदालतों में जाकर लड़ाई लड़ने को तैयार, लेकिन माफी नहीं मांगते। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनका संस्कार है कि महाराष्ट्र की धरती पर आते ही वे पहला काम अपने आराध्य देव शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगने का कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, शिवाजी की मूर्ति के ढहने के बाद जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, ये ठीक है या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।